गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबका फिर स्वागत है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच हो रहे WTC चैम्पियनशिप का दूसरा दिन, वर्चुअली तीसरा दिन, क्योंकि पहला दिन तो बारिश की वजह से धुल गया था। तो आज दूसरा दिन का खेल ख़त्म होने तक मैं आपके सामने एनालिसिस लेकर के आया हूं। दोस्तों, जिसे मैं बता दूं कि कल तक जो भारत का स्कोर था 146 पे लॉस था, 3 विकेट था, और भारतीय कप्तान और उप कप्तान दोनों क्रीज पे थे कल का मैच खत्म होने तक। आज जब दोस्तों भारतीय पारी की फिर से शुरुआत हुई तो भारतीय पारी का अच्छी नहीं रही और विराट कोहली बिना अपने स्कोर में कोई इजाफा किए हुए और जेमिसन की गेंद पे LBW हो गए। और दोस्तों एक और बात बता दूं कि विराट कोहली का जो पिछले 1.5 सालों से देखा जाए तो परफॉर्मेंस में कमी आई है उनका। अगर पिछले 1.5 साल में जो विराट कोहली लास्ट सेंचुरी अपना किए थे ODI में पोर्ट ऑफ स्पेन में अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, तो जो कि 14 अगस्त के आसपास था 2019 में, तो दोस्तों अब तक से लगभग 1.5 साल का लंबा सफ़र हो गया और विराट कोहली का कोई सेंचुरी नहीं आया। तो ये भी नहीं कि दोस्तों चलो सेंचुरी नहीं आया तो उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, ये भी नहीं रहा। तो क्योंकि इसका एक तरह से इनडायरेक्टली जो टीम के ऊपर इफेक्ट आ रहा, मानो या ना मानो, क्योंकि विराट कोहली जैसे इतने बड़े मैच प्लेयर, और अगर विराट कोहली इस तरीके से नहीं अपने गेम को नहीं खेलें तो इस रियली अ कंसर्न फॉर द इंडिया टीम एज वेल एज फॉर विराट कोहली। क्योंकि ठीक है, हम बोल सकते हैं कि सबके लाइफ में एक लीन पैचेज आता है, सचिन तेंदुलकर के भी के साथ भी आता था जब सचिन थोड़ा सा ओल्ड हो गए थे तो बोला गया था कि सचिन की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो विराट कोहली का भी एज भी है। सो उम्मीद हम यही करते हैं कि विराट कोहली अगले इनिंग में अच्छा खेलेंगे। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि जब भी विराट कोहली ने बैटिंग करते हुए DRS का सहारा लिया, 17 बार लिया है जिसमें से 2 बार उनको सफलता मिली है, और जिसमें से विराट कोहली को 10 बार एम्पायर ने आउट दिया है और 5 बार उनको उनकी जो अपील है उसको 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 ठुकरा दी गई। तो इस तरीके से विराट कोहली का जो बैटिंग के सेंस में अपना DRS लेने का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से बता दूं कि जो विराट कोहली का आज का विकेट, चौथा विकेट के रूप में भारत के लिए गिरना बहुत जल्दबाजी। उसके बाद दोस्तों फिर भारत के विकेट कीपर आते हैं ऋषभ पंत, वो भी कुछ खास नहीं खेल पाते, बहुत मतलब टेंटेटिव देखते हैं, लेकिन मैं कहूँ तो या अगर एक तरह से टिपिकल ऋषभ पंत क्या बोलते हैं डिसमिसल था तो ये कहना गलत नहीं होगा। जेमिसन की गेंद ऑफ साइड ऑफ स्टिक पे बाहर की गेंद थी जिसको टेस्ट मैच के हिसाब से छोड़ना चाहिए था, और कंसिडरिंग द सिचुएशन ऑफ द टीम वो उस गेंद को छोड़ सकते थे, लेकिन चलो क्या कर सकते, दिस इज द वे ऋषभ पंत प्लेज हिज गेम, तो ठीक है आउट हो गए। लेकिन बाकी बल्लेबाजों को दोस्तों भारतीय बल्लेबाजों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए था अपने शॉट सिलेक्शन के ऊपर। हालांकि देखिए इंग्लिश कंडीशन में इतनी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, स्टार्ट रन की एक अच्छी पार्टनरशिप थी, और ये भी नहीं भारतीय बैट्समैन को स्टार्ट मिला, अगर चेतेश्वर पुजारा को छोड़ दिया जाए तो चेतेश्वर पुजारा को भी नहीं छोड़ सकते दोस्तों, क्योंकि उन्होंने भी 56 गेंदें खेली थी। तो ऊपर के जो आपके टॉप 5 बल्लेबाज इन सभी को एक स्टार्ट मिली थी, लेकिन इनमें से किसी भी बल्लेबाज ने एक बड़ा स्कोर करने में नाकाम रहे हैं। यहाँ तक कि भारतीय पारी की तरफ से कोई 68 की पारी भी नहीं खेली गई, जो सबसे उच्च स्कोर था भारत की तरफ से वो अजिंक्य रहाणे का था 49 रन का। और दोस्तों एक अजिंक्य रहाणे भी गेम जरूर खेले थे 49 रन की पारी, लेकिन उतना भरोसे वाली उनकी पारी नहीं थी, वो बहुत मतलब टेंटेटिव थे, बॉल को फेस नहीं करते। तो वो जो नील वेगनार को जिस गेंद पे वो आउट हुए उस गेंद से पहले उन्होंने 2 रन लिया था, और वहाँ पे केन विलियमसन एक फील्डर सेटल किया था अजिंक्य रहाणे के लिए, दिस वाज द प्री प्लान। लेकिन अजिंक्य रहाणे उस बॉल को मुझे ये नहीं समझ में आया कि कैसा खेल, या तो उस बॉल को अगर आप पुल के, क्योंकि जब उस जगह पे एक आपके फिल्टर होता तो पुल शॉट तो आपको मतलब नहीं खेलना चाहिए था, यू नीड टू बिलीव ऑन योर डिफेंस, आपको वहाँ पे डिफेंसिव होना चाहिए था, थोड़ा उस बॉल को स्टॉप करना चाहिए। लेकिन अगर शॉट भी खेलते हैं तो आपको तेज खेलना चाहिए था, लेकिन अजिंक्य रहाणे ने ऐसा कुछ नहीं किया। अजिंक्य रहाणे जस्ट हाफ हार्टेड पुल करने की कोशिश किए तो बॉल एक्चुअली टीम लेटम के हाथ में गई, उन्होंने एक अच्छा कैच लिया। तो इस तरह से भारत ये भी विकेट गया, तो 3 विकेट भारतीय टीम के जल्दी जल्दी गिरे। फिर इसके बाद रविचंद्र अश्विन ने 27 गेंदों पे 22 रन की एक कैमियो खेली, एक अच्छी इनिंग खेली 20-25 रन की कंसिडरिंग द टफ सिचुएशन। उसके बाद रविंद्र जडेजा के साथ बहुमूल्य 30-35 रन की पार्टनरशिप की है, और जब तक से जडेजा क्रीज पे थे तो ये लग रहा था कि
भारत थोड़ा 30-40 या 50 रन का और इजाफा करेगा अपने स्कोर में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जमिनसन अपने दो गेंदों पे मोहम्मद शमी और जिसके वजह जसप्रीत बुमराह को आउट कर लेते हैं। और लेकिन दोस्तों लास्ट का जो विकेट हुआ है होता है रविंद्र जडेजा का, उसको ट्रेंट बोल्ट ने आउट करते हैं। तो देखा जाए तो आज का दिन जब खेल खत्म होता है तो भारतीय टीम का 217 रन पे ऑल आउट हो जाती है 92.1 ओवर में। और जो भारतीय टीम के टॉप स्कोरर होते हैं जिसमें अजिंक्य रहाणे 49 रन की पारी खेलते हैं 117 गेंदों पे, भारतीय कप्तान विराट कोहली 44 रन की पारी खेलते हैं 132 गेंदों पे, रोहित शर्मा 34, सुमन गिल 28 और रविचंद्रन अश्विन आपके 22 रन मारते हैं। और जब उनकी अगर कीवी गेंदबाजों की अगर बात किया जाए तो कीवी गेंदबाज बहुत इफेक्टिव रहे, उसमें से जो स्टार कहे कि जो एक तरह से शो स्टॉपर थे उसमें से जेमिनसन थे, जिन्होंने 22 ओवर की गेंदबाजी में 5 विकेट लिए और बैट्समैन को परेशान भी किया और इकोनॉमी भी उनकी काफ़ी अच्छी रही। और उसके बाद उनके जो स्पेशलिस्ट टेस्ट मैच गेंदबाज हैं नील वेगनर, जिन्होंने भी 15 ओवर की गेंदबाजी में दो विकेट लिए और बोट ने भी 2 विकेट लिए। तो दोस्तों एक और बात बता दूं कि जेमिनसन के बारे में कि जेमिनसन 8 मतलब टेस्ट मैच खेलने के बाद न्यूजीलैंड के तरफ से विकेट लेने वाले 8 टेस्ट के बाद ही वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर, उन्होंने 44 विकेट लिए हैं फॉलोड बाई द जेक कॉबी एंड द सेन बॉन्ड, उन तो इनसे पहले चले गए हैं। तो एक तरह से इनके अचीवमेंट था क्योंकि ही द जस्ट अ न्यू बॉलर वेरी टॉल एंड स्ट्रॉन्ग, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस देखते हुए ही इज अ प्रोमिसिंग बॉलर फॉर द कीवी टीम एज फार एज द टेस्ट मैच इज कंसर्न। तो दोस्तों लेकिन अब भारतीय बल्लेबाजी के एक मैं थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे है कि एक तो विराट कोहली का तो जो आपका लीन पैच है वो अभी है नहीं, और विराट कोहली भी जो सेंचुरी है उन सेंचुरी के इंतजार है। और सेंचुरी छोड़िए, विराट कोहली के बल्ले से अगर 80-90 रन की भी पारी होती भारतीय टीम के लिए तो वो एक तरह से टीम के लिए काफ़ी अच्छा योगदान हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दोस्तों यहाँ पे फिर एक और बात होती है कि शुड वी ब्लेम ऋषभ पंत या ना और नॉट, क्योंकि ऋषभ पंत का ठीक है हम एक बार के लिए समझते हैं कि ये उनका बैटिंग करने का अंदाज ऐसा है, लेकिन क्या कंसिडरिंग द सिचुएशन यू कैन चेंज योर बैटिंग स्टाइल? जबकि गेंद बहुत बाहर थी, आप कितने इन फॉर्म थे बैट्समैन, आपने 10-15 गेंदें खेल ली थी, आपको 2-4-10 गेंदें और खेल करके इसके बाद अटैकिंग शॉट खेलना चाहिए, तो ये सारे दोस्तों क्वेश्चन आते हैं। लेकिन टीम मैनेजमेंट को इसके बारे में ध्यान देना होगा क्योंकि हम पिछले पूरा साल में देखा जाए तो अगर हम बेशक WTC के फाइनल में आ गए लेकिन हमारी बल्लेबाजी टेंटेटिव ही रहे, हमारे गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया हुआ था तो हम यहां तक नहीं पहुंच पाते, तो हमारी एक बल्लेबाजी पूरी टूर्नामेंट थ्रू अदर टूर्नामेंट वो टेंटेटिव ही रही। तो फिर दोस्तों जब उसके बाद कीवी टीम की बल्लेबाजी आती है तो कीवी टीम की बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी रहती है। उनके जो ओपनर टीम लेटम एंड केनवे ने मात्र अभी 5वां ही टेस्ट मैच खेल रहे हैं लेकिन बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। इन्होंने आपको बता दूं कि इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने अपना डेब्यू में दोहरा शतक मारने वाले प्लेयर भी बने थे। तो इस तरह से लेटम और केनवे ने एक अच्छी पार्टनरशिप की और इस तरह से इन दोनों ने 72 रन की पार्टनरशिप की। इसके बाद टीम लेटम अश्विन के शिकार होते हैं, बाद में केन विलियमसन आते हैं, फिर केन विलियमसन एंड केनवे साथ में संभल के बल्लेबाजी करते हैं। और लास्ट के ओवर में क्या हुआ था कि केनवे ईशान शर्मा के गेंद पे आउट होते हैं और तब तक से मैच आज का खत्म होने तक न्यूजीलैंड की टीम 49 ओवरों में 101 रन मारती है दो विकेट के नुकसान पे। तो दोस्तों एक देखा जाए तो कंसिड इन ये अब तक से आज का जितना मैच है कि अभी भी मतलब न्यूजीलैंड टीम भारत से 112 या 113 रन अभी कम है और उनके 8 विकेट हैं और पिच अभी थोड़ा सा बेहतर खेलने लगी है। कल अगर बारिश नहीं होती, ओवर का कंडीशन अच्छा नहीं रहा, अगर ओवर का कंडीशन होती है तो भारतीय जो तेज़ गेंदबाज हैं उनको अच्छी गेंदबाजी करनी होगी क्योंकि जसप्रीत बुमराह इफेक्टिव नहीं रहे। अगर मैं बता दूं आपको कि मैंने अगर आप देखेंगे मेरा एक दो वीडियो पहले तो उसमें भी मैंने जसप्रीत बुमराह की जगह पर मैंने मोहम्मद सिराज के बारे में एक अपना एडवाइस दिया था। मेरा जो प्लेइंग 11 था उसमें मोहम्मद सिराज थे क्योंकि वो एक बैट्समैन को खिलाते हैं, यहाँ ये बैट्समैन को खिला नहीं रहे और इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। दो ही वॉज वेरी इफेक्टिव इन द IPL सीजन, लेकिन अगर टेस्ट मैच में और ODI में देखा जाए तो बुमराह काफ़ी ऑफ डे ही रहे हैं। तो एक इस रियली अ कंसर्न फॉर द इंडियन क्या बोलते हैं थिंक टैंक। और जो भारत के 3 पेसर हैं इनको थोड़ा फ्रंट फुट पर आकर के गेंदबाजी करनी होगी, बैट्समैन को खिलाना होगा।
तभी आप जा करके मैच में कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि अभी तो सिचुएशन ये देखता है देखा जाता है कि न्यूजीलैंड की टीम भारतीय टीम से बहुत आगे है। और अगर ऑनेस्टली बीइंग अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है या भारी होता हुआ दिख रहा है। तो मैं अगर इसमें कहना गलत नहीं होगा कि एंड ऑफ द डे टू अगर हम ये कहें कि मतलब न्यूजीलैंड वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने की कगार पे एक अपना पहला स्टेप रख चुकी है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड एक बहुत ही डिसिप्लिन टीम है। बहुत ज़्यादा उनकी टीम में फेरबदल कुछ नहीं होते, बहुत शांत स्वभाव की टीम है, शांत कैप्टन है, तो एक डिसिप्लिन टीम है जिन्होंने बहुत अच्छा खेल अपना दिखाया है। लेकिन दोस्तों एक और बात बता दूँ कि अभी भी भारतीय टीम के ऊपर मतलब न्यूजीलैंड के टीम का एक हमेशा थोड़ा सा प्रेशर रहा। अगर देखिए जाए तो आप वर्ल्ड कप में देखिए एक बार बहुत पास में भी एक आपका क्या बोलते हैं चैंपियन ट्रॉफी रहा तो वहाँ भी हार गए। तो एक ज़माना था जब भारतीय टीम पहले पाकिस्तान टीम के खिलाफ खेलती हुई अंडर प्रेशर होती थी, तो कुछ सालों से ऐसे देखने में आ रहा था कि वेन एवर इंडिया प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड तो ये कुछ प्रेशर में आ करके मैचेस खेलते हैं, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इंडिया टीम ठीक है ऐसा कि क्योंकि अगर देखा जाए तो इंग्लैंड के पास भी अच्छे गेंदबाज है, लेकिन जब हम उनके कंडीशन उनके साथ खेले तो हमने उनको काफ़ी अच्छा ढंग से खेला। तो एक थोड़ा सा आपको जो प्रेशर एक जो साइकोलॉजिकल बैरियर है उसको हटाने की ज़रूरत है, नहीं तो आपकी टीम अच्छी है, टीम में काबिलियत है और टीम ने पिछले 2-3-4 सीरीज में बाउंस बैक किया। तो एक बार फिर से एक बार रिकैप कर दूं, भारतीय टीम पहली पारी में 270 रन मार के आउट हो गए 92.1 ओवर में, जिसमें भारत की तरफ से जो हाईएस्ट स्कोरर थे उप कप्तान अजिंक्य रहाणे 49 रन और विराट कोहली ने 44 रन की पार्टनरशिप की, सॉरी विराट कोहली की 44 रन की इनिंग। और इसके बाद कीवी टीम की गेंदबाजी की बात किया जाए तो जेमिनसन सबसे सक्सेसफुल गेंदबाज रहे, इन्होंने 22 ओवरों में 5 विकेट लिए और नील विग्नर और बोल्ट ने 2-2 विकेट लिए। और दोस्तों फिर भारतीय टीम की अगर बल्लेबाजी और विकेट मत पतन की बात करूं फॉल ऑफ विकेट, तो भारतीय टीम का पहला विकेट 62 रन में गिरा था जब रोहित शर्मा आउट हुए, दूसरा विकेट 63 रन पर आउट गिरा जब सुमन गिल आउट हुए, तीसरा विकेट 83 पे जब चेतेश्वर पुजारा आउट हुए, चौथा विकेट 149 रन पे जब आपके कप्तान विराट कोहली आउट होते हैं, पांचवा विकेट 156 पे जब आपके विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत आउट होते हैं, छठा बल्लेबाज आपके अजिंक्य रहाणे आउट होते हैं जब भारतीय टीम का स्कोर 182 रन होता है, सातवां जो भारत का विकेट गिरता है वो रविचंद्रन अश्विन के रूप में जब भारत का स्कोर 205 रन होता है, आठवां विकेट 213 रन केस को भी गिरता है ईशांत शर्मा आउट होते हैं, और मतलब नवा विकेट भी 213 के स्कोर पे भी गिरता है बुमराह आउट होते हैं। यहाँ पे ये दो विकेट जेमिनसन ने लगातार दो गेंदों पे दो विकेट लिए थे, और जो लास्ट विकेट दोस्तों गिरता है रविंद्र जडेजा का जब भारतीय टीम का कुल स्कोर 217 रन था। और इसके जवाब में दोस्तों देखा जाए तो कीवी टीम का अब तक से बहुत बढ़िया स्टार्ट बोल सकते हैं, 49 ओवरों में कीवी टीम ने दिन का खेल खत्म होने तक 49 ओवरों में 101 रन मारे 2 विकेट के नुकसान पर, जिसमें से उनके बैट्समैन केनवे ने 54 रन और टीम लेटम ने 30 रन का योगदान दिया, और लास्ट तक केन विलियमसन 12 रन और रोज टेलर बिना किसी रन के नाबाद रहे। और भारतीय गेंदबाजी की बात किया जाए तो ईशांत शर्मा 12 ओवर में एक विकेट लिया, और उसके बाद रविचंद्रन अश्विन भी 12 ओवर में एक विकेट लिए। तो दोस्तों होप्स हो कि हम उम्मीद करते हैं कि आज का अगर एंड ऑफ द डे टू न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी है, लेकिन बट वी नो कि इंडिया टीम ने पहले भी काफ़ी बाउंस बैक किया है, तो वी कैन एक्सपेक्ट सेम काइंड ऑफ द कमबैक फ्रॉम द इंडियन टीम, ताकि ये जब इंडिया टीम कल उनके न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को जल्दी आउट करें या कम से कम उनको लीड दें, या ऐसा बोल सकते हैं उनको 50 रन से ज़्यादा का लीड ना दें, और जब बल्लेबाजी करने आए तो एक अच्छी बल्लेबाजी करें ताकि एटलीस्ट न्यूजीलैंड को फोर्थ इनिंग में 250 या 260 का टारगेट दो, जो कि बहुत ही क्रूशियल टारगेट, क्योंकि फोर्थ इनिंग में एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, उसमें एक आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर, तो इसमें 250 का अगर आप टारगेट भी दे देते हैं तो ये एक तरह से अच्छा टारगेट माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सब अभी भविष्य के घर में है, देखते हैं क्या होता है। तो कल दोस्तों फिर मैं आपके साथ कल रात को 10-10:30 बजे आऊँगा। और दोस्तों एक और बात बता दूँ कि कल मैं हो सके आपके सामने रात को 10 या 10:30 बजे के आसपास लाइव होने की कोशिश करूँगा, तो उस समय आप आ सकते हैं और आप अपने कमेंट्स मेरे को दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, गुड नाइट।